शाहजहांपुर सीएमओ ऑफिस में स्वस्थ संविदा कर्मियों का धरना जारी, जिसके चलते मरीजों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज 10 दिन बाद भी धरना जारी, टीबी के मरीज हो रहे हैं परेशान, उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी बताइए। मैं संजीव यादव, RNTCP जिला अध्यक्ष। हम लोग यहाँ 21 तारीख से धरने पे हैं लगातार, आज 10 दिन हो गए हैं। कल 30 तारीख को हम लोग लखनऊ भी गए थे, जहाँ 80,000 लोगों की गैदरिंग थी और जहाँ पर कुछ उनके अधिकारी आए थे वार्ता करने के लिए, उनको हम लोगों ने वापस कर दिया कि प्रमुख सचिव से नीचे हम किसी से भी कोई भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारी मांगे हैं प्रमुख, पहला बिंदु है नियमितीकरण का, क्यों हम लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं और जो हमारा जोन है वो टीबी का जोन है। टीबी इतनी भयंकर बीमारी है, जो जिसको होती है उसको होती है, साथ साथ में हम लोग उसी रिस्क में रहते हैं, उसी जोन में रहते हैं, उससे हमें सबसे ज़्यादा खतरा है। और हमारे करीब 8-10 साथी ऐसे हैं जो टीबी की वजह से मर चुके हैं, उनका परिवार आज रोड पे है, ना उनके लिए कोई सिक्योरिटी है, ना कोई किसी प्रकार का कोई भत्ता, कुछ भी नहीं है। आज वो भटक रहे हैं कि उनका क्या हो। हम लोग, हमारी यूनियन जिस तरीके से उनको सहायता राशि जो दे सकती थी वो दिया, अब हम भविष्य में ही चाहेंगे जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ और आने वाले हमारी पीढ़ी के साथ ना हो। हम लोगों को परमानेंट किया जाए, समान वेतन समान कार्य लागू किया जाए, आउटसोर्सिंग है उसको बंद किया जाए, ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। इसमें आशाओं का वेतन मानदेय भी निश्चित किया जाए, उनको कुछ दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की सबसे जो निम्न कड़ी है वो आशा है। आशा निम्न कड़ी से लेकर के सबसे उच्च कड़ी तक पहुंचती है, बिना उसके स्वास्थ्य विभाग की कल्पना नहीं की जाती आज के दौर में, क्योंकि सारा टीकाकरण सारा काम उनके द्वारा होता है जो जिसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं। सभी लोग यहाँ पे ANM हैं, स्टाफ नर्स हैं, RNTCP कर्मचारी हैं, NHM पूरा है, जिसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट करना है और सरकार को हर तरीके से हमें झुकाना है, हमें अपनी मांगे हर हाल में पूरी करवानी है, चाहे कुछ भी हो, तब तक हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे।